अपने विवादास्पद बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से विवादित बयान देकर वो सामने आए हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दावा किया गया है कि नगर निकाय चुनाव में जमकर शराब परोसी जाती है। इतने पर ही वो नहीं रुके, उन्होंने शराब पीने वाले वोटरों से अपील की कि कोई शराब देता है तो पियो और फिर और शराब मांग सकते हो। ओम प्रकाश राजभर ने बलिया के सहतवार में चेयरमैन पद की भारतीय समाज पार्टी की प्रत्याशी नीतू सिंह का प्रचार करने के लिए वो पहुंचे थे, वहीं पर ये बातें राजभर की तरफ से कही गई। तो राजभर का ये विवादित बयान सामने आया है, कहा गया कि निकाय चुनाव में शराब चलती है, कोई शराब देता है तो उसको पियो। इसी के साथ ये भी कहा कि अगर और भी पीना चाहते हो तो मांगो। आपको 70 साल में आपको कुछ नहीं दिया तो आप उनका शराब भी ले लो, शराब पी लो। अब पीने के बाद उनसे कहो कि और ले आओ, अगर वो कहें कि अब नहीं है तो उनसे कह दो कि तब जय सुहल देव। मैं ये कह रहा हूँ वो लेके आवे तो उनको लेके रख लो, उनकी पेटी रखो और रख के 5 मिनट बाद उनसे कहो कि भाई आपने कैसी शराब लिया था, तनी सा भी नशा नहीं कर रहा है, और ले आओ फिर वो जाए। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी वो बड़ी अजीबोगरीब बातें करते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। ओम प्रकाश जी, जो आपकी तरफ से कहा गया कि निकाय चुनाव में शराब चलती है, क्या इसे समझे, आपकी तरफ से क्यों ये बयान दिया गया? देखिए, गरीब कमजोर लाचार पिछड़े दलित उपेक्षित लोगों को इस निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने वालों की तरफ से बड़े पैमाने पर शराब पिला करके, दारू मुर्गा खिला करके, पैसे का लालच देकर के उनसे वोट हासिल करने की तैयारी बड़े पैमाने पर विभिन्न पार्टियों की तरफ से हो रहा है। तो जहां आपको विरोध करना चाहिए वहीं आप ये कह रहे हैं कि आप शराब ले लो, पियो, खत्म हो जाए तो दूसरी ले लो, ये कैसी बात आपकी तरफ से कही जा रही है? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक शराब बंद नहीं हो जाती है, अगर ये आपको जबरी कहते हैं, शराब पिलाते हैं, जबरी करते हैं, तो आप इनकी शराब लेके रख दो और जब बूथ पर जाओ अगर ये फिर पूछते हैं तो आप उनसे कहो कि भाई हमने तो वोट आपको दे दिया है। लेकिन आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी तरफ से ऐसी बातें की जाएगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, कैबिनेट मंत्री है तो इसका मतलब कि गरीबों को शराब पिला करके 70 साल की आजादी में। अरे आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप शराब पिए, अगर खत्म हो जाए तो फिर और शराब मांग लीजिए, ये कैसी बात है आपकी तरफ से की जा रही है? हमारी बात पूरी आप सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि अगर कोई शराब लेके आता है आपको रिश्वत देने के लिए तो उसकी शराब लेकर के आप उसको रख दो और फिर उससे कहो कि भाई इसमें नहीं, अब और अब ले आओ, फिर ले आता फिर रख दो, उसके बाद पूछता है कि आप भी पूछता है। यानी बजाय आप निर्वाचन आयोग का सहारा लेने के, सरकार का सहारा लेने के, आप ऐसी बातें करेंगे कि आप शराब लेकर रखते रहो? आप अगर वो दे रहे हैं, जबरी दे रहे हैं तो क्या करेंगे ये लोग, लाश खाएंगे गरीब? तो यानी आपका कैबिनेट मंत्री बनने का फिर कोई मतलब नहीं हुआ। बेहद शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े।